स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मुरादाबाद का जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन शहर में चेकिंग अभियान चला रहा है। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों के सामान की चेकिंग करने के साथ साथ संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुरादाबाद का जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रख रहा है और साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यात्रियों के सामान को चेक करने के साथ सभी से अपील की गई कि यदि आप भी संदिग्ध व्यक्ति देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। रेलवे प्रशासन का ये कहना है कि स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए पूरे डिवीजन के सभी स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में रेलवे स्टेशन पर आज जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें संदिग्ध लोगों और वस्तुओं की चेकिंग की गई। आगामी 15 अगस्त को लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर जनपद के सभी प्लेटफॉर्मों पर और मुरादाबाद जनपद में आने वाले सभी ट्रेनों की चेकिंग की गई। रेलवे विभाग में पुलिस द्वारा समय समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। मुरादाबाद जनपद के रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी गई, जिसमें आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त अभियान चलाया है। आगामी 15 अगस्त को लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। जनपद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जीआरपी व आरपीएफ ने मुरादाबाद जंक्शन पर आने वाले ट्रेनों की चेकिंग की, साथ ही प्लेटफॉर्म पर आए लोगों से पूछताछ और उनके सामान की भी चेकिंग की गई। 15 अगस्त को देखते हुए लगातार पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा। जीआरपी प्रभारी मुरादाबाद ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त आने वाली है, जिसको देखते हुए मुरादाबाद जीआरपी और आरपीएफ द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए चेकिंग की गई और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इसी तरह प्लेटफॉर्म पर आज चेकिंग की गई है और आगामी 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। निरंतर चलता रहेगा, पहले से भी काफ़ी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और आगे निरंतर इसको जारी रखा जाएगा।